तो आज हमने बात की थी कि टेस्ट डिस्कस करेंगे तो टेस्ट निकाल लो अपने और जो जो डाउट्स हैं वो हम पेज एक एक पेज करके डिस्कस करेंगे ठीक है तो पहले टेस्ट में जो 51 से लेकर 57 तक इनमें जो जो डाउट्स हैं पहले वो भेज दो ठीक है एक एक पेज करके कर लेंगे अपने तो जैसे किसी का है 52 फिफ्टी टू में बोला हुआ है कि हमारे पास सी वन एक कर्व है जिसकी इक्वेशन है लेमडा एक्सकेयर प्लस फोर वाई स्केर माइनस का टू एक्स वाई माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री और सी टू एक कव है जिसकी इक्वेशन है हमारे पास टू एक्स स्केर प्लस थ्री वाई स्केयर माइनस फोर एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस वन ये इक्वल टू तो जीरो और ये इक्वल टू जीरो पर कट कर रहे हैं तो असल में हो क्या होगा C1, C2 दो कर्व होंगे फिलहाल हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो कैसे कर्व है मान लो ये एक C1 कर्व आ गया ये मान लो एक सी टू आ गया दोनों ने दोनों पॉइंट्स हमारे पास दोनों कव कट कर् करें A और B पर तो फिर हमने क्या किया ए को और बी को दोनों को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया जैसे इस तरीके से तो ए से और बी से दोनों से एक एंगल बना ओरिजिन पर ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना 90 डिग्री राइट एंगल एट द ओरिजिन ये बोला हुआ तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये एक तरह से होमोजिनाइजेशन का जो कंसेप्ट होता है वैसा सा सवाल है लेकिन उसमें एक लाइन होती है जिसकी मदद से हम होमोजिनाइज करते हैं यहां पर दोनों टू डिग्री के कव है तो यहां पर करने का तरीका क्या होता है हमें सीवन और सी टू को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके एड करने इस तरीके से कि जो टू डिग्री की टर्म्स हैं सिर्फ वो बचें वन डिग्री की या जीरो डिग्री की टर्म्स गायब हो जाएं तो सोच के देखो अगर मैं सी टू को थ्री से मल्टीप्लाई करके सीवन में एड कर दू जैसे सीवन प्लस थ्री सी टू इक्वल टू जीरो लिखे तो उससे होगा क्या यहां पर एक्सकेयर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा देखो टू इंटू थ्री सिक्स साथ में आएगा लेमडा तो लेमडा प्लस सिक्स इंटू एक्सकेयर आ जाएगा वाइस्केयर के कोफिशन की बात करें तो फोर यहां से आएगा थ्री इंटू थ्री नाइन तो यह आ जाएगा थर्टीन वाई स्केयर माइनस टू एक्स वाई और यहां से माइनस का फोर्टीन एक्स वाई ये सॉरी ट्वेल्व एक्स वाई माइनस का फोर्टीन एक्स वाई बन जाएगा यहां से माइनस का नाइन एक्स जब थ्री एक्स थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देंगे प्लस का नाइन एक्स कैंसिल हो जाएगा यहां पर थ्री है माइनस वन इंटू थ्री आएगा माइनस थ्री वो भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन बची अब क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है और यहाँ पर राइट एंगल सबटेंड हो रहा है तो इसका मतलब OA into OB की, आई की right तो आई चुकी है कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए एक्सकेर काफिशियंट थर्टीन है इक्वल टू जीरो तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का नाइनटीन तो ये आंसर होगा सॉरी ठीक है समझ में आया किसी को दिक्कत हो तो लिख के भेज देना थोड़ी देर में इतने देर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिफ्टी थ्री जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग टू द पॉइंट द्वार एमा टू बी थ्री बाई फोर कोई बात नहीं ये कह रहा है एक लाइन है ये तो सिंपल सा सवाल है अपने पास काफी यहां पर ए पॉइंट है थ्री कोमा टू इस लाइन का जो स्लोप है वो हमें दिया गया थ्री बाय फोर अब ये कह रहे हैं कि वो दो पॉइंट बताओ जो ए से पांच यूनिट के डिस्टेंस पर है मान लो एक तो इस तरफ होगा बी एक दूसरी तरफ होगा बी डैश दोनों का जो डिस्टेंस है ए से वो फाइव है तो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं तो आर साइन थीटा एक्स वन वाई वन वो पॉइंट होता है जिससे हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कौन सा पॉइंट है वो थ्री तो कोमा टू एक्स वन की वैल्यू टू ये आ जाएगी आर का मतलब जितने डिस्टेंस पर पॉइंट चाहते हैं वो फाइव आ जाएगा। स्लोप यानी टेन थीटा में दिया हुआ है थ्री बाय तो फाइव।, तो फाइव।, तो फाइव इन सब की वैल्यू तो उठाकर इन दो में पुट कर देना एक बार प्लस प्लस वाला साइन से दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कर लोगे ठीक है हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या डाउट है किसी ने बोला है लक्ष्य ने 55 55 में हमें बोला हुआ है द लाइंस मेक द एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा तो लाइंस क्या है अपने पास पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यही है तो यहां पर स्लोप के बारे में बात की गई है एक्स एक्सिस के एंगल के साथ तो यहां पर हम क्या करेंगे x से डिवाइड करवा देंगे पूरी इक्वेशन को तो क्या बन जाएगा में आएगा स्केटिक्लस क्यू एम माइनस पी इक्वल टू जीरो इसके दो रूट आएंगे दोनों स्लोप होंगे अगर पहली लाइन अल्फा एंगल बना रही है तो स्लोप आएगा टेन अल्फा दूसरा स्लोप आएगा टेन बीटा अब हमसे वैल्यू मांगी गई है टेन अल्फा प्लस बीटा की टेन अल्फा प्लस बीटा का मतलब होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा मतलब सम सम ऑफ ऑफ यहां से क्वाड्रेटिक के निकाल सकते माइनस क्यू अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट वो आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एम तो सोच के देखो आंसर कितना आ गया माइनस का क्यू अपॉन वन प्लस पी ये आंसर होगा मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है देवांश कह रहे फिफ्टी थ्री रिपीट कर दो क्यों फिफ्टी थ्री रिपीट क्यों कर दो हम टेस्ट डिस्कस करें अदंत जो मैंने कल बोला था कि पहले टेस्ट डिस्कस होगा उसके बाद टाइम बचेगा तो सर्कल की बुकलेट हमें देवानी थ्री में क्या हुआ क्या हुआ दिक्कत क्या ही? बट देख ऐसे बार बार मैं कुछ नहीं पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करिए जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं एक्स वन कोमा वाई वन वो पॉइंट है थ्री कोमा टू पांच यूनिट के डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए तो आर फाइव है कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू हमने स्लोप से निकाल ली सबकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म में पुट कर देंगे तो दो पॉइंट आ जाएंगे एक बार प्लस प्लस से एक बार माइनस माइनस से ठीक है चलो और बताओ अगला कौन सा डाउट है 56 पूछा है किसी ने 56 में बोला हुआ है इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द सिस्टम विच इज एट ए डिस्टेंस रूट √10 फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस तो ये कह रहा है कि एक फैमिली ऑफ लाइंस है बेसिकली 2x plus y plus 4 साथ में है λ x minus 2y minus 3 equal to 0 हमें कह रहे हैं इनमें से वो लाइन बताओ जो एक पॉइंट दिए हुए 2, -3 इससे

अपॉन अब रूट वगैरह हटाने के लिए क्या करेंगे स्केरिंग कर देंगे तो टू लेमडाडा एट लेमडा एट में से थ्री फाइव लेमडा फोर एट और ये बन गया फाइव तो फाइव लेमडा प्लस फाइव का होल्स आ जाएगा रूट टेन का स्केयर करेंगे तो आ जाएगा टेन इस तरफ देखो क्या बनेगा लेमडा स्केयर और फोर लेमडा स्केयर फाइव लेमडा स्केयर आ जाएगा यहां से आएगा प्लस का फोर लेमडा माइनस का फोर लेमडा वो कैंसिल होगा प्लस में आ जाएगा फाइव यहाँ से सोल्व कर लोगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन सोल्व कर लोगे बड़ी आसानी से सोल्व होने वाली है देखो लेमडा स्केयर प्लस टू लेमडा प्लस वन क्योंकि फाइव कॉमन लेकर कट जाएगा और इस तरफ बचेगा टू लेमडा स्केयर प्लस टू तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी लेमडा आ गया इसको उठाकर पुट कर देना एल लाइन की इक्वेशन में जो यहां पर दी हुई है वहां से अपने पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कर लोगे इसके बाद अच्छा एक बात और अब याद आई है भाई एक तो अगर कभी इंस्टीट्यूट में जैसे कल तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलूंगा मैं भी घर जा रहा हूँ अपने तो बाकी अगर कभी डाउट लेने के लिए इंस्टीट्यूट में आना तो टाइम लेकर आया करो ठीक है ये नहीं कि जब तुम्हें कंफर्टेबल हो फ्री हो तब अपने आप आगे और फिर सर मिले नहीं मिले वो वाली बात है ना तो क्लासेस होती हैं सुबह भी होती हैं शाम को भी होती है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें तुम आओगे तो टीचर फ्री फ्री है जैसे अब तुम्हारी क्लास चल रही है तो अब कोई अगर ट्वेल्थ का बच्चा आ रहा है तो अब उसको ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला ना मैं तो टाइम लेकर आया करो और रोज का शेड्यूल चेंज होता है किसी दिन सुबह दो क्लास होती है शाम को एक भी नहीं होती किसी दिन सुबह तीन मतलब सुबह एक भी नहीं होती शाम को होती तो

अच्छा कौन सा रह गया बाकी तो करवाई लिए लगभग लगभग और बताओ 51 से 57 के बीच में कोई डाउट बचा हो किसी का 57 बचा हुआ है 57 में बोला हुआ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए और दूसरा दिया हुआ है एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कोस अल्फा इक्वल टू बी Sorry. तो हमें लोकस पहली का स्केर करोगे तो एक स्केर को स्केर प्लस, प्लस में आएगा अपने पास टू एक्स वाई साइन अल्फा कोस अल्फा और इक्वल टू में आ जाएगा ए स्केयर अगर सेकेंड इक्वेशन का स्केयर करोगे तो वो आ जाएगा एक्सकेयर साइन के अल्फा प्लस में आएगा वाई स्केयर कोस केर अल्फा में आएगा टू एक्स वाई साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू होगा बी स्केयर अब अगर अब इक्वेशंस को एड कर दिया जाए तो चेक करो ये तो कटेगा एक्सकेर कोल्फा प्लस वाई स्केर होगा वाई स्केर कॉमन लेने के बाद प्लस बी स्केर तो यहाँ पर जो पैरामीटर था जो वेरिएबल था एक तरह से अल्फा वो एलिमिनेट कर दिया एक्स और वाई में रिलेशन आ गई तो यही हमारे पास लोकस होगा मतलब बी आंसर आ जाएगा

अब तुम बताओगे मुझे 58 से लेकर 63 तक इनमें जो जो डाउट्स हैं जैसे 63 62 आए किसी का पहले वो डिस्कस कर लेते 62 में हमें बोला गया सॉरी लाइंस इंटरसेक्टेड पी द फर्स्ट लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड द सेकंड लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट बी देन सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल पीएबी तो फिगर बना लेते हैं काम करते हैं हमें बोला गया ये एक पहली लाइन जो है हमारे पास लाइन देख लेते हैं पहली लाइन हमें दी गई है थ्री एक्स प्लस फोर वाई टू नाइन और सेकेंड जो लाइन है वो है फोर एक्स माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व टू जीरो पहली लाइन के लिए एक्स होगा थ्री और वाई होगा नाइन बाई फोर तो ऐसी लाइन बनेगी हमारे पास ये लाइन आएगी सेकेंड लाइन के लिए एक्स होगा माइनस थ्री और वाई होगा

तो अब हमसे पूछा हुआ है कि पी ए बी जो ट्राइंगल बन रहा है उसका सरकम सेंटर बताओ मैं ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ तो।, तो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास इसकी की की बात जाएगी। तो एक बात नोटिस करो अगर तुम लाइंस के पे ध्यान दो जो पहली लाइन है हमारे पास उसका स्लोप है माइनस थ्री बाई फोर जो सेकंड लाइन है उसका स्लोप है फोर बाई थ्री तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूँ कि जो पी पॉइंट है उस पर एंगल जो बन रहा होगा वो नाइनटी डिग्री बन रहा होगा तो PAB जो हुआ वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ है ना ये बात कहना सही होगा अब तुम का ही होते है। यही हमारे आ जाएगा। तो ए पॉइंट हम निकाल सकते हैं जहां पर हमारी लाइन एक्स एक्सिस को कट है वो पॉइंट है थ्री कोमा जीरो बी पॉइंट है जहां पर सेकेंड लाइन वाई एक्सिस को कट है तो वो पॉइंट है जीरो का जो मिड पॉइंट होगा थ्री बाई टू कोमा टू वो हमारा आंसर होगा सरकम सेंटर का तो पूछा क्या हुआ है अच्छा सॉरी सरकम रेडियस पूछा हुआ है तो सरकम रेडियस भी निकाल ही सकते हैं उसके लिए हालांकि सरकम सरकम सेंटर भी नहीं चाहिए तो सरकम रेडियस क्या होगी ए बी जो होगा वो निकाल लेते हैं पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस है फाइव का तो ए बी इसमें क्या होता है डायमीटर होता है अब अगर ए बी डायमीटर है तो सरकम रेडियस जो होगी वो इसकी आधी होगी तो सरकम रेडियस की लेंथ आ जाएगी अपने पास फाइव बाई टू मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर समझ में आया क्या चीज अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है बाद में YouTube चैनल पे जब अपलोड होगा एक दो दिन में ढूंढना नहीं पड़ेगा लेना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका 58 में बोला हुआ सॉरी अ पॉइंट मूव्स इन द xy प्लेन सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस इज फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 3 एरिया इनक्लोज बाई सवाल बहुत बार कर चुके हैं। बहुत ज्यादा बार पता नहीं कितनी जगह जगह बुकलेट में बहुत सवाल तो दो के बारे में बात कर रहे तो मैं एकसे, एकसे, एकसे तो मैं मान लेता वो अगर यहाँ पर एक पॉइंट है एक्सकोमा वाई मुझे अगर इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो और उनका सम करना हो तो डिस्टेंस क्या होगा मोड एक्स और मोड वाई यही होगा मोड क्यों लगाया क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करने वाले तो इन दोनों डिस्टेंसिस का जो सम है वो थ्री है ये आएगा तो ये काम तुमने किया हुआ है कि एक एक बनेगा इसका जो लोकस बनता 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 है 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 वो क्या एक है। मैं बना के भी दिखा देता हूँ थोड़ा इस टाइप का होगा कुछ ऐसा सा बनेगा स्केर ठीक है जैसे ये वाली जो लाइन होगी वो होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री आ जाएगा सेकंड में सिर्फ एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स प्लस वाईक्वल टू थ्री आ जाएगा तो अगर ये पॉइंट निकाला जाए तो ये पॉइंट होगा हमारे पास जीरो अगर ये वाला पॉइंट निकाला जाए तो ये वाला पॉइंट होगा थ्री कोमा जीरो तो सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे जितना इस ट्राइंगल का एरिया होगा बाकी तीनों का भी उतना ही होगा तो अगर टाइम्स कर दें तो एरिया आ जाएगा तो टोटल एरिया जो हम चाहते हैं उसके लिए फोर टाइम्स वन बाय टू इंटू ट्राइंगल का एरिया कितना है थ्री इंटू थ्री तो ये आ जाएगा टू इंटू थ्री इंटू थ्री यानी ये आ जाएगा एटीन ठीक है अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो जो इसके डायगनल्स हैं उनकी लेंथ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई टू कर दो वहां से भी आंसर आ जाएगा ठीक है तो जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। तो अब किसी ने बोला है सिक्सटी बोला हुआ स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ठीक है कोई बात नहीं

फिलहाल ये तरीका अपना रहा हूँ। तो 11y equal to 22 आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 अगर y 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 तो 5, 2 पॉइंट आ गया इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन तो अगर लाइंस कंकरेंट हैं तो जो वेरिएबल लाइन है जो a और b वाली लाइन है वो भी इस पॉइंट से पास करेगी कंकरेंट का मतलब यही है तो 5, 2 जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा तो 5x 2y कितना आ जाएगा सॉरी अगर एक्स की वैल्यू फाइव और बी की वैल्यू टू पुट वाई की वैल्यू टू पुट करें तो ये आ जाएगा फाइव ए प्लस टू बी इक्वल टू वन इतना पता चला हमें अब हमसे पूछा हुआ कि फाइव एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन किस पॉइंट से पास करेगी सोच के देखो अगर ये जो नई लाइन दी हुई है चौथी लाइन दी हुई है एलडेश अगर इसमें मैं ए कोमा बी पॉइंट पुट करूं तो क्या बनेगा फाइव ए प्लस टू बी इक्वल टू वन और वो कंडीशन बिल्कुल सही है इसका मतलब हमारी जो लाइन है वो ए कोमा बी पॉइंट से पास करेगी और वही आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन ठीक है अगला बताओ भाई जल्दी से क्या डाउट है सिर्फ तक उसके बाद अगले पेज पे फिर आएंगे बच्चों आंसर मत पूछो मेरे से आंसर क्या है मैंने भी देखा दुखा नहीं है कुछ भी क्वेश्चन बोलोगे तो मैं सोल्व करके बता दूंगा कि कैसे होगा क्या होगा लेकिन आंसर मुझे भी नहीं पता सही है गलत है 63 चलो करके देख लेते हैं 63 में बोला हुआ है द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इज तो कोई भी दो लाइन से उनके एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं ध्यान देना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दी हुई पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं दिए हुए ट्वेल्व एक्स स्केर माइनस सेवन एक्स वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो पर अगर हम इनके फैक्टर बनाने चालू करें बन जाएंगे तो देखते हैं पहले ही काम करते हैं X X से डिवाइड करवा देते हैं तो एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ट्वेल्व एम स्केर प्लस सेवन एम माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो चौवालीस के लिए आएगा सोलह और नौ तो ट्वेल्व एम स्केयर प्लस सिक्सटीन एम माइनस नाइन एम माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो से फोर एम कॉमन लोगे तो थ्री एम प्लस फोर माइनस थ्री कॉमन लोगे तो थ्री एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर बाय थ्री ठीक है तो एंगल बाइसेक्टर्स जो है उनकी इक्वेशन तो आ चुकी है वाई इक्वल टू थ्री बाय फोर एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री एक्स अब जिन दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनमें से एक लाइन की इक्वेशन अपने को दी हुई है पहली लाइन l1 जो लाइन है वो है 2y equal to x या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो y equal to x by 2 हमसे कह रहा है कि जो लाइन बच गई जो l2 लाइन है जिसका हमने एंगल बाईसेक्टर ड्रॉ किए उसकी इक्वेशन क्या होगी तो हमें नहीं पता क्या होगी हमने मान लिया y equal to mx होगी ओरिजिन से तो पास करेगी करेगी क्यों पास करेगी क्योंकि होमोजिनियस वगैरह काम चल रहा है एंगल बाइसेक्टर्स खुद ओरिजिन से पास कर रहे हैं एल वन पास करिए तो एल टू भी पास करेगी कंकरेंट लाइन होती है तो अब एल वन और एल टू का अगर एंगल बायसेक्टर हमें निकाल लो मतलब अगर एक एंगल बायसेक्टर उठा लें ये वाला तो एंगल बायसेक्टर का काम ही क्या है कि वो एल वन और एल टू के साथ इक्वल एंगल बना रहा होगा तो एम वन माइनस एम टू अपन वन प्लस एम वन एम टू दोनों के साथ बराबर कर देंगे किस किस के साथ एक बार एल वन के साथ और एक बार एल टू के साथ तो पहले एल टू के साथ करें तो एम वन माइनस एम टू अपॉन में आ जाएगा वन प्लस एम वन इंटू एम टू इक्वल टू फिर इस एंगल बाय सेक्टर का करेंगे एल वन लाइन के साथ क्या आ जाएगा एम वन एंगल बाय सेक्टर का स्लोप थ्री बाय फोर माइनस एम टू का मतलब एल वन लाइन का स्लोप वन बाय टू अपॉन वन प्लस थ्री बाय फोर इंटू वन बाई टू यह आएगा एम में एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बनेगी सोल्व करोगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी अगर एम आ गया तो उसको उठाकर यहां पर L2 लाइन में पुट कर देना आंसर आ जाएगा यही काम किया था कुछ और काम किया था तो इसे आंसर मैच नहीं कर रहा इसको करने को एक तरीका इसका और अपना सकते हो बता देता बाकी इच्छा तुम्हारी है जैसे करना चाहो तो भाई बाकी लोगों का मैच करे तो आंसर तो सही दिया होगा फिर मेथड टू इसका ये हो सकते कि तुम इतने चक्करों में पढ़ो ही मत जो कर रहे तुम मान लो एल वन लाइन की इक्वेशन तो अपने को पता ही है क्या है टू इक्वल टू एक्स जो एल टू लाइन है उसकी इक्वेशन तुम मान लो वाई इक्वल टू एम एक्स तो इसको लिख सकते हैं टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस एम एक्स इक्वल टू जीरो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी क्या मल्टीप्लाई करने से टू वाई माइनस एक्स में वाई माइनस एम एक्स इक्वल टू जीरो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एम एक्स स्केर प्लस टू वाई और साथ में आएगा एक्स वाई का कोफिशियंट वन प्लस टू एम इंटू एक्स वाई इक्वल टू जीरो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ गई अगर मुझे इनके एंगल बाइसेक्टर्स निकालने हो तो मैं जानता हूं तरीका क्या होता है उसको लिखने का एक्सकेयर माइनस वाई स्केर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्सकेर एम है माइनस कोफिशियंट ऑफ वाई स्केयर टू है इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई के कोफिशियंट का आधा ये आ जाएगा ठीक है अब ये किसकी इक्वेशन आ गई एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई जो यहां पर हमें दी हुई थी वो भी क्या थी एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन थी तो दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तो इन दोनों को कंपेयर करवा दो इन दोनों को जब तुम कंपेयर करवाओगे कंपेयर करवाने का मतलब उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाना तो वहां से हमारे पास एक इकलौता वेरिएबल है m m की वैल्यू आ जाएगी ये तरीका भी अपना सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे कर लोगे इसके बाद और बताओ भाई 63 तक अगर किसी का कोई डाउट बच रहा तो नहीं तो फिर आगे बढ़े करण कह रहा है l1 मेथड l1 के बाद मेथड 1 समझ नहीं आया बच्चे कुछ नहीं मैंने ये बोला है कि जो हमने तो तो ये ब्लू में लाइंस लिखी हैं y y और ये है एंगल्टर इसका एंगल बाई सेक्टर आ गया दोबारा बना लेते मान ली एल वन लाइन है ये L2 लाइन ये मान ले इसका एंगल बाई सेक्टर आ गया तो एंगल बायसेक्टर का काम ही क्या एल वन और एल टू के साथ दोनों के साथ बराबर एंगल बनाएगा तभी तो बाई है तो मैंने क्या किया पहले इस लाइन का एंगल का लाइन के साथ एंगल निकाल लिया M1 -M2 1 M1 -M2. फिर मैंने एंगल बायसेक्टर का एल वन के साथ एंगल निकाल लिया सेम फॉर्मला लगाकर दोनों को इक्वेट करवा दिया बराबर आनी चाहिए तो मैंने कहा इक्वेशन सोल्व करोगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी उठाकर एल में पुट कर देना आंसर आ जाएगा ठीक है चलो भाई और बताओ तो इस पेज पे मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि हो गए हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस हैं 64 से लेकर 69 तो 64 से 69 जो डाउट्स हैं वो बोलो uh, किसी का है 68 तो पहले वो देख लेते हैं 68 में बोला हुआ था लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ़ टू पॉइंट्स ए एंड बी बी 1.2 एंड 7.5 रिस्पेक्टिवली The line AB is rotated through 45 degree in anti-clockwise direction about the point of trisection of AB, which is nearer to B. The equation of the line in new position is. कोई दिक्कत नहीं ये कह रहा है AB एक लाइन है अपने पास, है ना? यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा। Sorry. A point one comma two.

तो क्यू जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं टू रेशियो वन में डिवाइड कर रहे हैं तो यहां से हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं टू इंटू सेवन फोर्टीन प्लस करोगे तो फाइव टू इंटू फाइव टेन और टू ट्वेल्व अपॉन थ्री करोगे तो फोर सेक्शन फॉर्मुला लगाया और कुछ नहीं किया अब क्यू पॉइंट के अबाउट इस लाइन को रोटेट करना है फोर्टी फाइव डिग्री से तो वो करके देख लेते हैं अपने तो फोर्टी फाइव डिग्री से रोटेट करोगे तो नई लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं वो पॉइंट अपनी पोजिशन फिक्स रखता है उसमें कोई चेंज नहीं आता तो ये एंगल नया एंगल कितने से रोटेट किया फोर्टी फाइव डिग्री तो ये जो ब्लू वाली लाइन आई है नई वाली लाइन एल उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है तो एक काम करते हैं पहले एबी का स्लोप निकाल लेते हैं एबी का स्लोप कितने फाइव माइनस टू थ्री अपॉन सेवन माइनस वन सिक्स ये आएगा स्लोप वन बाई टू ठीक है तो हमारी जो लाइन थी वो एक्स एक्सिस के साथ पहले ही कितना एंगल बना रही थी थीटा जहां पर टेन थीटा वन बाय टू है जो नई लाइन है वो कितना एंगल बना रही है अब 45 डिग्री प्लस थीटा तो अगर मैं टेन 45 डिग्री प्लस थीटा निकालना चाहूं तो उसका फॉर्मुला हम जानते हैं 1 प्लस 10 थीटा 1 10 थीटा 10 थीटा की वैल्यू उठाकर पुट कर दोगे, तो थ्री बाई टू अपॉन वन बाई टू थ्री आ जाएगी तो नई लाइन का स्लोप आ गया थ्री नई लाइन हमें पता है क्यू पॉइंट से तो पास करेगी करेगी फाइव को फोर से तो नई लाइन की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी वाई माइनस फोर इक्वल टू तो स्लोप यानी थ्री एक्स माइनस फाइव तो लाइन आ जाएगी वाई इक्वल टू थ्री एक्स और माइनस का इलेवन ये हमारा आंसर होगा तो आंसर आ जाएगा अपने पास थर्ड सी ऑप्शन कोई दिक्कत है किसी को आ गया समझ तो 64 से 69 और बताओ कौन सा डाउट है किसी ने बोला है 60 अभी कौन सा डिस्कस किया मैंने 68 ने बोला है 66 66 में बोला है इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज कोई बात नहीं यहां पर ए बी सी ठीक है लाइंस की इक्वेशन क्या दी हुई है हमें ए बी की इक्वेशन तो दे रखी है 2x 5 प्लस फाइव इक्वल टू जीरो जो बीसी लाइन है उसकी इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और तीसरी लाइन है एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो तो इसमें कुछ नहीं करना अगर हमें लाइंस की इक्वेशन पता है तो हमें तीनों का स्लोप पता है जैसे पहली लाइन का स्लोप एम वन मान लिया दूसरी लाइन का स्लोप एम टू तीसरी लाइन का स्लोप एम थ्री अगर एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू अगर हम ये फॉर्मूले लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा आता जाएगा एक करके दो दो लाइंस का जोड़ा लेना है है हमें क्या करना दो दो का जोड़ा ले ए सी और बी सी में, में कर लिया तो टेन थीटा आते जाएंगे तो वहां से टेन ए टेन बी टेनसी की वैल्यू आ जाएगी टेन ए टेनबी टेनसी आ गया तो वो पूछ रहे कि इन सबका कितना होगा ठीक है अत्यंत पूछ रहे थीटा कहा है इसमें शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मतलब सर्कल चैप्टर तुम्हारा कैसा सवाल पूछ रहा है यार तू सम ऑफ टेंजेंट्स मीन जो पूछ रहे हमसे टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी की वैल्यू ये पूछ रहे हैं हमसे इनको इनका पूरा मिस, पूरा नाम टेंजेंट होता है ना टेन थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा टेन ए टेन बी टेन सी का सम पूछ रहे ठीक है किसी ने कहा है कि वो सर टेन आ जाएगा नहीं बेटा, थ्री टेन भी नहीं बेटा आएगा इसकी वैल्यू होती है तीनों का सम जो होता है और तीनों टेन का जो मल्टीप्लाई होता है बराबर होता है तो टेन ए टेन बी टेंसी तो निकालना ही पड़ेगा वो चाहे फिर उसके बाद सम कर लो चाहे प्रोडक्ट कर लो बात एक या ही यानी ठीक है और बताओ सिक्सटी सिक्स के बाद गगन ने बोला सिक्सटी सेवन 67 में बोला हुआ है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द्व कॉमन टू ये कह रहे एक कव है सेवन एक्सर प्लस एट वाई स्केयर माइनस फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो इस कव का और इस लाइन है थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले गए ठीक है और जैसे ये है, एक कर्व है एक लाइन आकर इसको कट करके चलेगी मान लो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है अब इन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन किया है तो और बनेगा तो इन लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा उसकी बात कर रहा है वो कितना होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे होमोजिनियस का कंसेप्ट लगने वाला है दिख ही रहे तो यहां से वन की वैल्यू निकाल लेंगे वो वन की वैल्यू उठाकर इस कर्व को होमोजिनाइज कर देंगे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सेवन एक्स के प्लस एट वाई स्केर होमोजेनियस इक्वेशन गई जब इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम तो ये इक्वेशन देखने में कुछ कुछ ऐसी होगी ए एक्स स्केयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर इक्वल टू जीरो कुछ X का काफिशियंट आएगा कुछ वाई स्केयर का आएगा और कुछ एक्स तो तो इन के बीच का एंगल, निकाल सकते हैं। की बीच की एंगल का फॉर्मुला क्या है टू अंडर रूट एक्स स्केर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मोड तो वहां से टेन थीटा आ जाएगा अगर टेन थीटा आ जाएगा तो थीटा भी आ जाएगा यह तरीका होगा लाइन्स के बीच का एंगल निकालने का हर्षित ने लिखा है डिनोमिनेटर में

ठीक है मैं समझता हूं आ, आई रहा ए प्लस बी तो ठीक है उससे भी अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ में आया सिक्सटी सेवन जो बोला है या किसी को दिक्कत है ठीक है फिर आगे बढ़े ए के कोऑर्डिनेट्स हैं फोर कोमा जीरो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो कोमा टू क्यों स्कोबोटिक, स्कोबोटिक की साइड पे क्या अलग नंबर ही है क्वेश्चन की अच्छा, अच्छा अच्छा तो अगर ऐसा है स्कोबोटिक वाला देख के बोल रहे हो तो भाई आ, ये पीडीएफ से देख के दे दो क्योंकि तो वही ना जो कॉमन चीज है जो मैं भी जहां से देख के क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो एटलीस्ट सेम हो जाएगा ठीक है तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विच द एंगल सी इंटरनली इन लाइन ज्वाइनिंग सी टू दिडल पॉइंट ऑफ ए बी तो ट्राइंगल बना लेते हैं और तो क्या है? हम एक आ तो है 4, तो यहां पर बी तो पॉइंट है माइनस थ्री कोमा टू यहां पर कहीं होगा सी माइनस थ्री कोमा टू ठीक है तो इन सबको अगर ज्वाइन करोगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा आपकी माइनस फोर क्या दिया हुआ तो नहीं गलत लिख लीजिए अच्छा सॉरी माइनस फोर दिया हुआ सही बात है फिर दोबारा करने तो दो पूरा पॉइंट्स दोबारा लिख लेते हैं ए पॉइंट दिया हुआ है माइनस फोर को जीरो बी पॉइंट जीरो को टू और सी दिया हुआ है माइनस थ्री को टू ठीक है करेंगे तो यहां पर होगा, होगा, होगा है है तो यहां कहीं C minus 3, है तो तो कहीं कहीं, थोड़ा थोड़ा सा सा। ऊपर ये कुछ ऐसा सा ट्राइंगल बनेगा ठीक है वो कह रहे हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विच द एंगल सी ए बी इंटरनली तो एंगल सी ए बी को बाइसेट करने वाली एक लाइन है पहली बात तो

तो कुछ नहीं तरीका ही बता सकता हूं देखो बच्चों क्योंकि सवाल थोड़ा सा तो लंबा है ए माइनस फोर कोमा जीरो बी है जीरो कोमा टू और सी है माइनस थ्री कोमा टू तो ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा एबी का एबी का मिड पॉइंट मतलब माइनस टू कोमा वन आ जाएगा इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी तो अगर सी पॉइंट पता है डी पॉइंट पता है तो सी डी की इक्वेशन बता सकते हैं सी डी की जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी हमारे पास Uh, y इज इक्वल टू ये होगा अपने पास माइनस एक्स माइनस वन अगर मेरा सही हो तो x प्लस वाईक्वल टू माइनस वन बेसिकली हमें और क्या चाहिए हमें ये चाहिए पीछे से नो ही बेटा तर, तेरे पास सारी भी, भी हो तो किसी को दिक्कत नहीं है शायद और हमें चाहिए a का जो इंटरनल एंगल बाई है एंगल बाई हमें निकालना आता है उसके भी दो तरीके हैं या तो डायरेक्ट एंगल बाय सेक्टर निकाल लो या हम जानते हैं एंगल बाई सेक्टर सामने वाली साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करते हैं यानी जो ए का रेशियो आएगा और ए का रेशियो आएगा उसी रेशियो में डिवाइड करेगा तो वहां से हमारे पास ये एंगल बाय सेक्टर आ जाएगा मीडियन सीडी ऑलरेडी आ चुकी है एंगल बाय सेक्टर ए की इक्वेशन हम निकाल लेंगे फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो पी आ जाएगा कंसेप्ट तो देखो ये है किसी ने किया हो ना आंसर आ रो तो बताओ फिर तो करें कुछ सर एक एंगल वाई की स्लोप्स दो आ रही है बेटा वो एंगल दो होते हैं ना इंटरनल एंगल होता और, है और एक्सटर्नल एंगल बाई होते हैं तो दो एंगल बाई इसलिए आ रही है अब हमें ये ये पहचानना पड़ेगा कि इंटरनल एंगल बाई कौन है तो सपोज करो मैं मतलब दो एंगल वाई आ गए तुम्हारे पास ठीक है तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा ना उसके लिए सी पॉइंट और बी पॉइंट अपोजिट साइड होंगे ध्यान दो अगर इंटरनल एंगल बाय सेक्टर ए e तो एक मिनट रुको बच्चों। तो अगर इंटरनल एंगल बाय सेक्टर ए e है तो नोटिस करो बी पॉइंट एक तरफ है सी पॉइंट दूसरी तरफ है है ना तो ये चेक कर लेना कि जैसे पहले एंगल बाई सेक्टर वन में सी और ई e पॉइंट पुट कर देना सॉरी सी और बी पॉइंट अगर दोनों का साइन सेम आ जाए मतलब AB1 वन काम का नहीं है AB2 टू काम के अगर दोनों का साइन अपोजिट आ जाए मतलब मान लो एक का प्लस दूसरे का माइनस मतलब अपोजिट साइड है तो यानी ये वाला एंगल काम के, ये वाला एक्सटर्नल वाला है इसको रिजेक्ट कर देंगे वहां से ये काम करेंगे ठीक है कर लोग छोटा मेथड देखे छोटा मेथड इस टाइम तो ट्राइंगल की साइड्स हाँ डायरेक्ट एक्यूट एंगल वाला निकाल लो वो भी ठीक है वो फिगर हमने बनाई रखी है दिख रहा है कि एक्यूट एंगल बनेगा हाँ वो भी कर सकते हो साइड्स की लेंथ निकाल कर देखते लिख लेते हैं हो सकता है उसके बारे में कुछ स्पेशल आ रहा हो ए बी कितना है ये आ जाएगा टू रूट फाइव अगर हम बी सी की लेंथ की बात करें तो वो आएगी थ्री और अगर हम ए सी की लेंथ की बात करेंगे तो वो आ जाएगा रूट फाइव तो साइड्स के बारे में कोई स्पेशल नहीं है ट्राइंगल के बारे में स्पेशल नहीं है देखिए अभी तो कुछ नहीं आ रहा दिमाग में और मुझे लग भी नहीं रहा इसका कोई छोटा तरीका होगा क्योंकि एक तो मीडियन है और दूसरी एंगल बाय है अगर दोनों एंगल बाय होती तो इसका मतलब इन सेंटर निकालना है उसके भी आसान तरीके हैं अगर दोनों मीडियन होती तो सेंट्रोइड आ जाता उसका भी एक आसान तरीका है लेकिन

टर्टर की कौन सी नोइस आ रही है यार सुबह दो क्लास ली है मैंने और सबको सबको नोइस आ रहा है क्या भाई कोई आवाज सबको आ रही है ये महक सारे कार्य क्लियर है हल्की सी है उसकी है? हो सकता है सीपीयू की आ रही हो वो चल रहा है वो पंखा सा उसका पीछे वाला बच्चे तो नेटवर्क में कोई दिक्कत होगी मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लेता तो हूं कुछ चलो और बोलो जल्दी से फिर पेपर तो एटलीस्ट डिस्कस करें सर्कल चालू होना हो ना 65 के बाद ये पेज हो गया हो गया मेरे हिसाब से तो कुछ छोड़ा ही नहीं तुम लोगों ने 69 चलो योगेश का है 69 वो देख लेते हैं बोला इफ द लाइन वाईक्वल टू एम एक्स बाई सेक्स द एंगल बिटवी द लाइन देन एम इज अ रूट ऑफ द क्वाटिक इक्वेशन कोई बात नहीं कर रहा है वाई इक्वल टू एम एक्स एक है ये इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेकट करिए इन लाइन्स के तो वो एक इसका बाइसेक्टर होगा बाइसेक्टर की इक्वेशन हम निकालना जानते हैं एक्स स्केयर माइनस वाई स्केर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एच एक्स स्केर माइनस एच वाई स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी इन टू एक्स वाई ये किसकी इक्वेशन आ रही है हमारे पास ये आ रही है एंगल वाई की ठीक है अब क्योंकि स्लोप की बात हो रही है वो कह रहा है एम किसका रूट होगा तो स्लोप की जब भी बात हो तो हम किससे डिवाइड करवा देते हैं एक्सकेर से तो एच माइनस एच वाई स्केयर अपोन एक्स स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी वाई अपोन एक्स इसके बाद जहां भी हमें वाई अपोन एक्स दिखता है उसको हम रख देते हैं स्लोप एम तो क्वाडेटिक इक्वेशन बन जाएगी माइनस का एच एम स्केयर या उधर लेकर जाओगे तो बन जाएगा प्लस का एम एच एम स्केयर तो डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो उधर लेकर गएगा प्लस में आएगा ए, ए माइनस बी इन टू वाई अपॉन एक्स दोबारा एम बनेगा ये वाला एच इधर लेकर आओगे तो माइनस एच इक्वल टू तो जीरो तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्लोप में एम में यहां से अगर मैं स्लोप करू, करूंगा तो दो रूट आएंगे एम वन एम टू वो एक्चुअली मुझे क्या बताएंगे एंगल बाइसेक्टर के स्लोप बताएंगे और वाई इक्वल टू एम एक्स जो है वो भी क्या है एंगल बाइसेक्टर ही है तो इसका स्लोप कितना एम तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को स्लोप सोल्व करूंगा तो वहां से जो रूट आएगा वो किसके बराबर आएगा एम के बराबर आएगा या दूसरे शब्दों में बोले तो एम इस क्वाड्रेटिक का रूट है और वही हमसे पूछा गया था तो प्लस ए माइनस बी इंटू एम माइनस एच इक्वल टू जीरो अपने को ए ऑप्शन में दिख रही है तो वो आंसर आ जाएगा ठीक है इसके बाद सेवेंटी से लेकर सेवनटी फाइव जो डाउट्स हैं वो पूछ लो जैसे किसी ने पूछा सेवेंटी में बोला गया है इस पॉइंट ऑन ऑफ़ ऑफ़ टू लाइंस एट डिस्टेंस फोर बाय तो यहां पर दो लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं वाई प्लस रूट थ्री मोड एक्स इक्वल टू में है टू तो दो लाइन कौन कौन सी आएगी वाई प्लस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू टू आएगी अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई माइनस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू टू आएगी अगर एक्स नेगेटिव है इसके बाद ए इज़ अ अ पॉइंट ऑन ऑफ ऑफ़ टू लाइंस एट डिस्टेंस फोर थ्री रूट थ्री यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पहले ये लाइन स्ट्रो कर लेते अभि नूर कह रहे हैं मॉड्यूल का क्वेश्चन डिस्कस हो गया बच्चों डिस्कस हो गया फिर वही बात देखो वो मत पूछा करो यार जो डिस्कस हाँ भाई है ये मॉड्यूल में मुझे तो याद नहीं है तो अभिनव तू कौन सी ब्रूकेट कर रहा है तू कौन सा मॉड्यूल करने में लगा हुआ मेंस प्रीवियस ईयर में, में चल कोई बात नहीं फिर डिस्कस कर लेते हैं और क्या तो इसने कहे दो लाइन आ रही है अपने पास तो पहली लाइन है वाई प्लस रूट थ्री एक्स इक्वल टू टू तो वाई तो अपने को मिलेगा टू और एक्स मिलेगा टू बाई रूट थ्री और ये सिर्फ हिस्सा तब काम कर रहा है जब एक्स पॉजिटिव है तो ऐसी से लाइन बन जाएगी ये वाला हिस्सा जो काम है वो कर रहा है जब एक्स नेगेटिव है तो ये आ जाएगा तो ये पॉइंट हमारे पास होगा जीरो पर पॉइंट आएगा अपने पास जीरो और यहां पर पॉइंट आएगा जीरो अब हमें बोला गया कि ए जो पॉइंट है वो फोर बाय रूट थ्री यूनिट के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जीरो अभी ए या तो इस तरफ आएगा इस लाइन पर या फिर ए इस लाइन पर आएगा फोट ऑफ पर पेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन दम आर ठीक है कुछ नहीं मेहनत करवा रहा फालतू का फाल बता इतनी सवाल है नहीं वैसे कुछ खास ढंग का ये कह बाई रूट थ्री के डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट चाहिए तो लाइंस तो पता ही है तुम्हें उनके स्लोप भी पता है जैसे पहली वाली जो लाइन है इतना सवाल है नहीं वो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया बस उसने इसका स्लोप माइनस रूट थ्री है इसका स्लोप रूट थ्री है वो कह रहा है कि जो ए पॉइंट है वो क्या है किसी भी एक लाइन पर ले रहे हैं हम मान लो इस लाइन पर ले लिया कितने डिस्टेंस पर ले रहे हैं पी पॉइंट से पी पॉइंट से ले रहे हैं कहीं पर भी पॉइंट आ जाएगा वो निकालेंगे कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके किसी भी एक लाइन पर निकालो तो एक्स हम जानते हैं एक्स वन प्लस आर कोस थीटा और दूसरा आ जाएगा वाई वन प्लस आर साइन थीटा ठीक है दो आ सकते हैं X1, Y1 हमें पता है कितने है वो हमारे 3। अगर हमें लाइन के हैं, तो हम साइन थीटा कोस थीटा निकाल सकते हैं उससे ए पॉइंट आ जाएगा अब वो कह रहे हैं कि जो इनके इंटरनल एंगल बाइसे जो इनके एंगल बाइसे जो इनके एंगल हैं उनके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने है। चेक करो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है सिमेट्री है बिल्कुल तो इसका एंगल बायसेक्टर कौन होगा ही होगी तो वाई एक्सिस पर क्या करो परपेंडिकुलर गिरा दो तो ये जो फुट मिलेगा इसके कोऑर्डिनेट्स मांग रहे ठीक है दूसरा जो एंगल बायसेक्टर आएगा वो क्या आएगा दूसरा एंगल बायसेक्टर आएगा बिल्कुल पी से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ जाएगी तो यहां से भी हम ए पर क्या गिरा ए से क्या गिरा सकते हैं परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं तो ए से परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये वाला फुट आ जाएगा तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मांग रहे हैं बेसिकली वो तो ए पॉइंट यहां पर लोगे तो ये आ जाएगा अगर ए पॉइंट को यहां पर लोगे तो इसका फुट तो सेम आएगा इसका फुट थोड़ा अलग आएगा ठीक है ऐसी अगर ऊपर की तरफ लोगे तो उतना ही पॉइंट ऊपर आ जाएगा पहले पढ़ रहे है मैं बोल के रहा हूं पहले तो इतना बताओ यार मैं खुद ही बोले जा रहा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा डाउट था किसका ये एक मिनट ध्रुव का डाउट था भाई ध्रुव तू बता कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा मैं वैसे ही बोले जा रहा हूं लास्ट में क्लियर नहीं हुआ लास्ट में देख भाई मैंने इतना बोला है कि ए पॉइंट तो तू निकाल लेगा वो मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि तुझे डिस्टेंस दिया हुआ है कोई भी एक लाइन पकड़ लियो ठीक है दोनों लाइन से निकालना जरूरी नहीं है कोई भी एक लाइन पकड़ लेना तो ए पॉइंट वहां से आ जाएगा क्योंकि जीरो कोमा टू से फिक्स डिस्टेंस चाहिए

तो मैंने ये कहा है कि जैसे ए पॉइंट आया तो ये जितना एंगल आ रहा है थीटा उतना ही एंगल ये थीटा आ रहा है तो एलवन और एल टू का एंगल बाई कौन हुआ एक्सिस हुई तो हमें क्या करना है से एक्सिस पर फुट गिरा परपेंडिकुलर गिराना है तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसके कोऑर्डिनेट्स अब मैंने ये बताया कि अगर मैं ए को यहां लेने की बजाय इस लाइन पर ले लेता तब भी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता वो सेम आता पहली बात फिर मैंने कहा कि इकलौता एंगल बाइसेक्टर ये तो है नहीं वाई एक्सिस एक इसके परपेंडिकुलर भी तो एंगल वाई आएगा वो क्या आएगा अगर ये वाई सारी है, वर्टिकल लाइन तो वो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी मतलब होरिजोनटल होगी तो ए से मैं इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर गिरा सकता हूं वहां से भी फुट आ जाएगा तो इस तरीके से तीन चार पॉइंट आ जाएंगे अपने पास ठीक है और उनके सबके कोऑर्डिनेट्स बताने तो अब जैसे जितना पॉइंट ये इधर आएगा दूर देख ये वाला जो पॉइंट है ये जितना पी के लेफ्ट में होगा उतना ही ये वाला पॉइंट पी के राइट में होगा ऐसे ही जितना हम पी के नीचे आएंगे एक पॉइंट मिलेगा उतना ही पी के ऊपर जाने पर एक पॉइंट मिलेगा तो ये चार पॉइंट हमारे आंसर हो सकते हैं हालांकि सवाल जो है है तुम्हारा सिंगल करेक्ट है, जैसे ही एक ऑप्शन मैच करा, वैसे ही आगे बढ़ जाना तो एक ही आंसर मांग रहे है वो हमसे कर लोगे बता दो मुझे भी खुद को पता है अजीब सा है और अभी थोड़ी कैलकुलेशन कैलकुलेशन उतनी नहीं है बस स्टेप्स ज्यादा हैं आसान आसान से स्टेप है स्टेप कोई ऐसा नहीं है जितना लिखा उससे कम में आगे आंसर आ जाएगा वो पक्की बात है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है ठीक है कैलकुलेशन बहुत आसान है बस वो स्टेप्स ज्यादा कि अच्छा फिर फुट गिरा वो पॉइंट से फिर फुट तो तीन चार केस बनने वाले हैं और कुछ नहीं है करके देख लेना बाकी फिर भी दिक्कत आए तो इसके बाद किसी ने बोला है सेवनटी टू सेवेंटी टू में हमें बोला गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनकेयर यूनिट इज कोई बात नहीं हमसे बात करवा रहे हा बच्चे सर्कल तो नहीं हो पाएगा मोस्ट प्रॉब्ली पेपर ही चल रहा है अभी तो तुम पूछ ही इतने ले तो कितने सवाल हो चुके हैं पच्चीस सवाल आते हैं पेपर में एक दो तीन चार पांच छ देखो सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये सोलवा सवाल तो मैं करवा रहा हूँ पच्चीस में से अभी तो तुमने तीन चार और पूछने बाकी होंगे अभी चलो आगे देखो सेवेंटी टू में क्या बोला हुए? दो तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए टू कोमा माइनस थ्री जैसे ये मान लो टू कोमा माइनस थ्री है दूसरे वाला जो है वो है फोर कोमा वन हमें कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका जो राइट एंगल right वाला वर्टेक्स है ये किस लाइन पर लाई कर रहे हैं टू एक्स प्लस वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो पर लाई कर रहे हैं तो so एक काम करते हैं इसका x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा लाइन में पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10 माइनस टू अल्फा ये आ जाएगा इस पॉइंट को a नाम दे देते हैं इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को c। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ab का स्लोप और ac का स्लोप slope, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन आना चाहिए ए बी का स्लोप कितना आ जाएगा टेन माइनस टू अल्फा माइनस वन मतलब नाइन माइनस टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस फोर अगर मैं ए सी के स्लोप की बात करूं तो वो कितना आएगा टेन माइनस टू अल्फ़ा में से माइनस थ्री गया थर्टीन माइनस टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस टू दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन सोल्व करोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अगर अल्फा आ गया तो इसका मतलब ए पॉइंट आ गया और अगर ए पॉइंट आ चुके तो पूछा क्या हुआ ट्राइंगल का एरिया वो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं बोलो भाई हो जाएगा या नहीं पहले सेवेंटी टू बताओ ये कोई दिक्कत है तो इसमें वो बोलो पहले क्लियर है ठीक है 72 टू के बाद बताओ कौन सा क्वेश्चन बचेगा गरिमा का है 74 फोर द पॉइंट्स वन कोमा थ्री एंड फाइव कोमा टू वट ऑफ अ रेक्टेंगल द अदर टू वर्ट लाई ऑन द लाइन ये तो यार मुझे करवाया हुआ लग रहा है तो मेरे ही करवाया हुआ है। लग रहा है ये सवाल तो मेरा ही देखा हुआ बार बार डिस्कस हो चुका है ना ये सेवेंटी फोर वाला शायद तो बच्चों का डिस्कस हो चुके हैं तो दो बार हो चुके हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं तो जो अपलोडेड लेक्चर्स हैं वो देख लेना वहां पर कर लेना और बताओ 75 बता दो अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन मीट्स अ पैरेलल लाइंस एट द पॉइंट्स p एंड q रेस्पेक्टिवली इफ द पॉइंट इसी सिंगला कह रही है 75 भी हो चुके हैं 75 हुआ है नहीं हुआ क्लास में तुम लोग यार अजीब से हो कोई आधे बच्चे कह रहे हो गया आधे बच्चे कह रहे हो नहीं हुआ क्या मतलब क्लास तो सेम ही चल रही है ना तुम्हारी इलेवेंथ के भी जितने ही भी बैच बने थे रामानुजन कलाम और जो भी थे वो अब तो पैरल ही चल रहे सभी सभी के सेम क्लास जा रही है तो तो कोई बात नहीं दस एक मिनट तो बचे, पूछ लो जो पूछना <coughs> तो बोला गया स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइन फोर एक्स प्लस टू वाईक्वल टू नाइन एंड टू एक्स प्लस वाईक्वल टू माइनस सिक्स एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवलीफ द पॉइंट ओ डिमेंट पी क्यू इन द रेशियो एल रेशियो एम दैन एल प्लस एम इज कोई बात नहीं तुम्हें बोला दो पैरल लाइन है, है।, है। तो मतलब दो पैरल लाइनिकली तीसरी लाइन आई हमारे पास ये लाइन हमारे पास ओरिजिन से पास करिए एक मिनट रुको। ओरिजिन से पास करिए पहली लाइन को कट करिए पी पॉइंट पर और दूसरी लाइन को कट करिए क्यू पॉइंट पर ये बोला गया इफ द पॉइंट सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो एल रेशियो एम तो हमसे पूछा हुआ है ओरिजिन इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा ठीक है भाई जो इसका नाम एट द रेट लिखा हुआ है पहली बात तो क्लास ओवर करते हैं सर रहने दो बेटा देख नहीं तो जा सकता है कोई इशू नहीं है अगर मन नहीं कर रहा आज किसी कारणवश तो छोड़ सकता है क्लास लीव कर सकता है क्लासरूम लॉक नहीं है लेकिन क्लास कब खत्म करनी है कब चालू करनी है वो मेरे पे छोड़ दे ठीक है छोटे-मोटे डिसीजन मैं अपने ले लूंगा तू जाना चाहे जा सकते हैं तो अब हमें बोला गया इफ द पॉइंट ए डिवाइड्स pq इन द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो l:m देन l+m इज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पर हम क्या करेंगे मान लो एक जैसे इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहली लाइन क्या है अपने पास फोर एक्स प्लस टू वाईक्वल टू नाइन दूसरी लाइन को अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स प्लस टू वाईक्वल टू माइनस का ट्वेल्व अब मैं काम करता हूं ओरिजिन से एक लाइन ड्रो कर देता हूं जो इनके पैरेलल आ रही हो मैं ओरिजिन से एक लाइन ड्रो कर रहा हूं जो इनके पैरेलल आ रही है ठीक है जो गिवन दो पैरेलल लाइन है उनके तो उसकी इक्वेशन क्या जाएगी? तो आ जाएगी अगर ओरिजिन से पास करिए तो फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगी ठीक है अब चेक करो अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं ध्यान से देखना यहां पर एम पॉइंट है यहां पर पॉइंट है चेक करो ये जो ट्राइंगल पीओ एम बन रहा है और बड़े वाला ट्राइंगल पी क्यू एम बन रहा है पी क्यू एन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनके रेशियो क्या आएंगे सेम आएंगे ना तो अगर मुझे पीओ और ओ क्यू या कह लो ओ पी और ओ क्यू का रेशियो निकालना है इससे अच्छा मैं किसका रेशियो निकाल सकता हूँ पीएम का और एम एन का रेशियो निकाल सकता हूं

स्केर प्लस बी ये आएगा अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे।, लेंगे तो ये तो कटेगा तो रेशियो आ जाएगा नाइन रेशियो ट्वेल्व और ये जो रेशियो है अपने पास सेवन ये आंसर है। समझ में आए क्या की बोलो भाई जल्दी से रिप्लाई करो कुछ दिक्कत है तो पूछो जल्दी से नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ बाकी तरीके और भी बहुत सोच सकते हैं से पास करने वाली जनरल लाइन लिख लो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो लेकिन सबसे आसान यही रहेगा तुम्हारे लिए छोटा है कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी तो हो गया ना पूरा पेपर डिस्कस किसी का कोई डाउट बच रहा है तो जल्दी से रिप्लाई कर दो नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे ठीक है उसका है कबीर का सेवेंटी वन सेवेंटी वन में हमें तीन पॉइंट्स दिए गए हैं एक पॉइंट है माइनस टू कोमा जीरो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास माइनस वन कोमा वन बाई रूट थ्री और थर्ड पॉइंट है अपने पास कोस थीटा कोमा साइन थीटा हमें कहा गया तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो थीटा की कितनी वैल्यूज आएंगी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होना चाहिए जीरो निकाल लेंगे माइनस टू बाई रूट थ्री दूसरा तो जीरो ही आएगा माइनस साइन थीटा प्लस में आएगा वन बाई रूट थ्री कोस थीटा और साथ में आ जाएगा प्लस का टू साइन थीटा इक्वल टू जीरो तो यहां से बन जाएगा साइन थीटा प्लस वन बाई रूट थ्री कोस थीटा इक्वल टू टू बाई रूट थ्री ठीक है एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा एलसीएम लेकर करेंगे, तो theta, उधर जाएगा तो वो बन जाएगा टू अब पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड करवा देंगे तो जो रूट थ्री बाई टू है उसको हम बोल सकते हैं कोस पाई बाई सिक्स जो वन बाय टू है उसको हम बोल सकते हैं साइन पाई बाई सिक्स तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस पाई बाई सिक्स का और वो हमें दिया हुआ है वन तो यहां से थीटा हमें पता है वन कब आता है वहां से एंगल की वैल्यू आ जाएगी